हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो मैं आज आप लोग को बता रही हूँ थ्री स्टेप हेयर कटिंग। तो वीडियो लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यदि फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ थ्री स्टेप हेयर कट, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे कस्टमर का हेयर इतना लंबा है, बट मैं इसे लगभग इतना छोटा करने वाली हूँ। तो इतने छोटे में थ्री स्टेप मीन्स इतना छोटा करते हुए मैं थ्री स्टेप कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को कि क्या क्या मैं बताने वाली हूँ, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग घर बैठे ही थ्री स्टेप कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना होता है पार्टीशन, और पार्टीशन के लिए यहाँ पे तीन पार्ट में बाल को डिवाइड करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टीशन करेंगे, ये होगा हमारा सेंटर पार्टीशन। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के भाग को हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ से होगा और सेकंड पार्ट यहाँ से होगा। तो ये बढ़ जाता है तीन भाग में, एक दो और तीन। तो तीन भाग में ये हमारा हेयर का पार्टीशन हो गया। तो इसको करना किस तरीके से, इसको देखिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को बता रही हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड से इस तरह से हेयर को ले ली, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब पार्टीशन जो करेंगे वो बहुत ही नीट और क्लीन करेंगे। जब नीट और क्लीन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आगे इसका क्या बेनिफिट है। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट ली और इसको मैं अटैच कर ले रही हूँ सेक्शन क्लिप से। तो सेकंड पार्ट आप लोग को यहाँ से निकालना है, जहाँ से मैं अभी जस्ट बताई थी। तो इसी तरीके से दोनों साइड से ले लेना है, और आप पार्टिंग जो करेंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन करेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ की हूँ। तो गाइस, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं तीन पार्ट की हूँ। ये सबसे नीचे का पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले पार्टिंग कर लेंगे, और इसके बाद जो हेयर है इसमें हम लोग सबसे पहले लेंथ को निकाल लेंगे। मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ लेंथ, जो कि जितना मेरे कस्टमर यहाँ पे लेंथ मुझे दी है कि इतना मुझे शॉर्ट करना है, उतना मैं यहाँ पे शॉर्ट कर ले रही हूँ। सबसे पहला काम यही करना है। तो ये हो गया लेंथ, और यही लेंथ अब फाइनल रहेगा, इसमें अब कुछ भी छोटा नहीं करना है। मैं एक बार अपनी कस्टमर को भी दिखा दूँ, देखिए तो सही है ना, इतना जो आप बोली थी वही, उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। मैं इतना ही रखने वाली हूँ। तो अब मैं आप लोग को बता दूँ कि किस तरीके से करना है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट, इसमें ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसमें मैं फिर से तीन भाग में डिवाइड कर रही हूँ। ये हो गया वन साइड, ये हो गया सेकंड साइज, ये सेकंड साइज, और ये बीच वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें स्टेप देना है। तो इसको क्या करना है, 90 डिग्री पे उठाना है। 90 डिग्री मीन्स इतना, ये 90 डिग्री पे उठाने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, सबसे स्टेप देना है। तो यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ क्लीन। यहाँ पे बस मैं यहाँ पे शार्प कर दे रही हूँ कटिंग को इस तरीके से, और ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। आप देख सकते हैं हल्का सा किस तरीके से यहाँ स्टेप आ रहा है। इसके बाद मैं आ गई लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के हेयर में से थोड़े हेयर को मैं ले ली, और सेंटर वाले हेयर से भी मैं थोड़े हेयर को ले ली। और इसके बाद मैं कस्टमर के पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दी, थोड़ा सा मूव कर दी, और इसके बाद मैं हेयर को फिर से उठा रही हूँ 90 डिग्री पे। और इस बार आप देखेंगे कि 90 डिग्री पे उठाने के बाद इतने हेयर निकलते हैं। तो इस हेयर को क्या करना है, इस गाइडलाइन वाले से मिलाते हुए ऐसे कटिंग कर देना है। इसे फिर आप छोड़ भी सकते हैं और साथ में ले भी सकते हैं। मैं फिर से इसे हाथ में ली हूँ, और ये जो बचे हुए थे इसे भी मैं हाथ में ले ली हूँ साथ में। और फिर से मैं क्या की, कस्टमर के पोजीशन को थोड़ा सा चेंज की, और मैं अपने पोजीशन को सेम रखी हूँ। और इसके बाद फिर से हेयर को मैं 90 डिग्री पे उठाती हूँ, और उठाने के बाद जो एक्स्ट्रा हेयर आ रहे हैं ये कटिंग हेयर हैं, जो कि हमारे लिए गाइडलाइन हो गया। और ये एक्स्ट्रा हेयर को क्या करना है, कट कर देना है। फिर से मैं मूव की थोड़ा सा कस्टमर को, और फिर से हेयर को मैं 90 डिग्री पे इस तरीके से उठा रही हूँ। और फिर से आप देखेंगे कि थोड़े हेयर आ जा रहे एक्स्ट्रा, तो फिर से इस हेयर को कट कर लेना है। एक बार और मैं चेक कर लूँ इस तरीके से, बस कुछ भी नहीं है, अब सब सही है, यानी सही कटिंग दिख रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कटिंग को यहाँ पे छोड़ के आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लुक आया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक आया है, इस तरह से यू शेप में गया है, और स्टेप भी आया। अब एक दो हेयर रह गए हैं, कोई नहीं, इसको निकाल लेना है कट करके। तो ये आप देखिए कितने अच्छे से शेप आया है। सेम यही चीज़ करना है नेक्स्ट साइड।
तो नेक सेट करने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े से ये हेयर रख रही हूँ, ये हमारे लिए गाइडलाइन हो गया। और इसमें से मैं हाफ हेयर ली हूँ और हाफ हेयर को यूँ ही छोड़ दी। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से इसे 90 डिग्री पे उठाई हूँ और कटिंग हेयर जो है ये है, और ये हमारे लिए गाइडलाइन हो जाता है। जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे आप इस तरह से कट कर लीजिए, इसे आप छोड़ भी सकते हैं और हाथ में रख भी सकते हैं। मैं फिर से इसे हाथ में ही रखी हूँ, इसलिए मैं हाथ में रखती हूँ क्योंकि ये सारे हेयर एक साथ जब कटिंग होंगे तो वो बहुत ही अच्छे से शेप में आएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ इसे फिर से 90 डिग्री पे उठाई और कस्टमर के पोजीशन को थोड़ा सा चेंज की, और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेयर जो है हमारा एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, इसे मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। फिर से मैं इस हेयर को उठाई और सेम उतने 90 डिग्री पे उठाना है, और यहाँ आपका एक्स्ट्रा हेयर आ जाता है, ये आपका गाइडलाइन हो जाता है, इसे आप इस तरीके से कट कर लेंगे। अब मैं इसे छोड़ के दिखाती हूँ कि इधर का कटिंग कैसा आया है। आप देख सकते हैं कि इधर भी बहुत ही अच्छा सा यू शेप में आया है। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ एक दो बाल एक्स्ट्रा रह गए हैं, तो उसे मैं ऐसे कट करके शेप में ले आई। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप को खोल रही हूँ। सेकंड स्टेप को फिर से इस तरीके से खोलना है, और खोलने के बाद फिर से सेम पार्टिंग करना है तीन पार्ट में। एक हो गया आपका राइट साइड का, इस तरीके से आप इधर सेपरेट कर लीजिए। एक हो गया लेफ्ट साइड का, इसे भी आप सेपरेट कर लीजिए। और ये हो गया सेंटर का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सेंटर के पार्ट को लेती हूँ, ये रहा सेंटर का पार्ट। और सेंटर के पार्ट को क्या करना है, 2 से 2.5 इंच, ये फर्स्ट पार्ट से 2 से 2.5 इंच छोटा करना है। तो ये रहा, यहाँ तक आ जाएगा 2.5 इंच। तो इसे सबसे पहले लेंथ को निकाल लेना है। अगर आप बिगनर्स है तो आप ऐसे हाथ डाल के देख लेंगे कि आपका कितना छोटा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर सेम प्रोसेस है, सेम उसे इसी तरह से 90 डिग्री पे उठाना है और ये कट कर लेना है, सीधा कट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप सीधा कट करेंगे। 90 डिग्री पे उठाना और सीधा कट करना है। मैं इसे चेक कर लूँ कि कितना छोटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सही है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है और इससे 2.5 इंच छोटा है। अब क्या करना है, इसमें से मैं हाफ हेयर ली, सेम प्रोसेस है गाइस, जो फर्स्ट पार्ट का हुआ था सेम प्रोसेस है। और ये मैं पूरे हेयर को ले रही हूँ और मैं अपने कस्टमर के पोजीशन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। और इसके पूरे हेयर को मैं इस तरह से 90 डिग्री पे उठा रही हूँ ऐसे। और मैं क्या कर रही हूँ, ये हो गया कटिंग हेयर जो कि हमारे लिए गाइडलाइन है, और ये एक्स्ट्रा हेयर, इसे आप कट कर लेंगे सीधा। फिर से मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ कस्टमर का, सेम वही प्रोसेस है। आप ध्यान से देखिए, मैं पूरे वही सेम प्रोसेस करने वाली हूँ, गाइडलाइन एक्स्ट्रा, गाइडलाइन ये एक्स्ट्रा हेयर। गाइडलाइन एक्स्ट्रा हेयर, इस साइड का हेयर कटिंग हो गया। और मैं अब आप लोगों को दिखा दूं कि ये सेकंड पार्ट जो कि हाफ ही कटिंग हुआ है अभी, वो कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वाला भाग बिल्कुल अलग दिख रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से ही सेम उधर वाला भी करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर से थोड़े हेयर जो कि कटिंग हेयर हैं, जो हमारे लिए गाइडलाइन का काम करेगा, ये मैं इसे उठा ले रही हूँ। और राइट साइड के पूरे हेयर को मैं ले ली, सेम तरीका है, 90 डिग्री पे बाल को उठाना है। ये कटिंग हेयर हमारे लिए गाइडलाइन हो गया, और ये एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देना है। ये कटिंग हेयर और ये एक्स्ट्रा हेयर। कटिंग हेयर, एक्स्ट्रा हेयर, एक्स्ट्रा हेयर। अब मैं इस साइड के भी भाग को आपको दिखा दूं कि किस तरह से सेकंड स्टेप दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये सेकंड स्टेप आ गया। मैं अभी आप लोगों को, जब अभी गीला बाल है तो आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रायर करने के बाद। तो ये सेकंड स्टेप है, बस इसी तरीके से तीसरे स्टेप को भी करना है। ये पूरे हेयर को मैं ली, इसके बाद इसे दो पार्ट में की,
दो पार्ट में करने के बाद ये जो एक साइड का पार्ट है उसको फिर से दो पार्ट में की, एक आगे का और एक पीछे का। ये आगे वाला मैं आगे कर दी, पीछे वाला पीछे रख रही हूँ। इधर वाले में से भी वैसे ही सेम करना है, आगे से मैं आगे कर दी और पीछे का ये पीछे हो गया। तो ये पीछे वाला जो भाग है सेम उसी तरीके से वही काम करना है जो मैं फर्स्ट और सेकंड में की थी। सर को झुकाना था। इसको क्या करना है कि सेकंड वाले पार्ट से 2.5 इंच छोटा रखना है। तो ये सेकंड वाला फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ है, सेकंड यहाँ है और थर्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा हेयर को कट करके हटा ले रही हूँ और इसके बाद इस हेयर को इस तरीके से ले रही हूँ 90 डिग्री पे और कट कर लेना है। इसको आप फिर से ऐसे छोड़ के देख लेंगे कि आपका सही लेंथ जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए एक पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इसमें से सेम उसी तरीके से करना है। हाफ हेयर को मैं ली और हाफ हेयर मैं यहाँ ये पूरे हेयर को ले ली इधर से और इसमें अब फिर से स्टेप देना है मूव करते हुए। तो ये कटिंग हेयर और एक्स्ट्रा हेयर, सेम तरीका वही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को कट कर लेना है, कटिंग हेयर एक्स्ट्रा हेयर। हेयर के सबसे ऊपर का लेयर है, यानी कि अगर कस्टमर को चाहिए कि आगे का भी कटिंग चाहिए, आगे का चाहिए ना, इसमें मिक्स कर देंगे ना, ठीक है, आगे का भी कटिंग चाहिए तो क्या करना है, इनका पहले से ये हेयर कटिंग है तो मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ। किस तरीके से मिक्स करूँगी, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कट मारते जाऊँगी, यहाँ पर कट देते जाऊँगी। कट करती जाऊंगी इस तरीके से। ये तो क्या हो गया, आगे का हाफ लेज़र निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लुक आ रहा है, आगे का हाफ लेज़र और प्लस पीछे थ्री स्टेप तो है ही, और ये क्या है, ऊपर वाला थर्ड स्टेप है। तो आप देख सकते हैं पीछे मैं, तो आप देख सकते हैं ये मैं पीछे सबसे ऊपर वाला स्टेप थर्ड स्टेप को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सा लुक आ रहा है और आगे का लेज़र भी आ गया इसमें। अब मैं सेम इसी तरीके से नेक्स्ट साइड का भी बता रही हूँ। ये रहा हमारा गाइडलाइन और साथ में और भी गाइडलाइन है यहाँ जो कि मैं छोड़ी हुई थी, ये सारा हेयर। तो सबसे पहले मैं इसे मिला लूँ थोड़ा सा, ये सेम है, सही है। अब क्या करना है, जो ये आगे हेयर छोड़ा हुआ है सबसे ऊपर वाला पार्ट के लिए, इसे मैं हाथ में ले ली और इसके साथ मिक्स भी कर ली। और इसके बाद क्या है, जो इसमें कटिंग हेयर है वो हमारे लिए गाइडलाइन हो जाता है, मीन्स ये हमारे लिए गाइडलाइन है और ये क्या है, एक्स्ट्रा हेयर से कट कर लेना है। पोजीशन चेंज, देन फिर से वही चीज, ये एक्स्ट्रा हेयर कट, एक्स्ट्रा हेयर, फिर से इसमें मैं क्या करूंगी, ये लेजर इनका जो पहले से कटिंग है हेयर में उसके साथ मिक्स कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट का लेज़र भी हो गया, फ्रंट का लेज़र हो गया और ये पीछे से थ्री स्टेप में मिक्स हो गया। तो ये है थ्री स्टेप हेयर कट का फाइनल लुक विदाउट सेटिंग। मेरी तरफ ज़्यादातर लोग सेटिंग करवाना नहीं पसंद करते, इसलिए मैं सेटिंग नहीं की हूँ। सेटिंग करने के बाद ये और भी खूबसूरत लुक आएगा। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया हो तो एक लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।